आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऋषि सुनक के नाम का क्या मतलब है और क्या हमें समझ जाना चाहिए कि वो कौन है, क्या करने आया है। ये साफ साफ इसके नाम में छुपा हुआ है इसका राज, तो ये हमें समझ जाना चाहिए। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो जिस दिन ये प्रधानमंत्री बना था ब्रिटेन का, ग्रहण का दिन था, उस दिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था एक। मुझे उसी दिन अंदाज़ा लग गया था कि कौन है, किस लिए बैठाया गया है। लेकिन कल ये अंदाज़ा मेरा कंफर्म हो गया। वो कंफर्म कैसे हुआ वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उस कम्युनिटी पोस्ट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जिस दिन ये प्रधानमंत्री बना था उस दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। सुनक का अर्थ होता है कुत्ते का पिल्ला या कुत्ता, ठीक है। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप, गूगल पर सर्च कर सकते हैं सुनक का अर्थ। ऋषि सुनक, एक समय रावण भी ऋषि का रूप धारण करके छलने आया था। ग्रहण के समय बना है शासक, मतलब है दुश्मन सूर्य यानी आत्मा का। और सूर्य किसका प्रतीक है आपको पता ही है, सूर्य प्रतीक है आत्मा का। सबकी जो आत्मा होती है सोल, उसका प्रतीक होते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव के ऊपर ग्रहण लगा दिया, ठीक है, उस दिन ये बना है। तो इसका मतलब ये भी सबकी आत्मा पर ग्रहण लगाने वाला है, सबके ऊपर, मतलब सबकी आत्मा को मारने का काम करने वाला है, इसलिए बिठाया गया है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कंफर्म नहीं था क्योंकि उतना मैंने डीपली इसके बारे में जांच पड़ताल करी नहीं थी। अब ये चीज़ कंफर्म कैसे हुई मेरी कि वास्तव में ही ये बैठाया गया कुत्ता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये 12 घंटे पहले गार्डियन न्यूज़ ने ये वीडियो डाला था। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जितने भी न्यूज़ चैनल होते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल होते हैं, ये सारे जैसे BBC, गार्डियन न्यूज़, CNN, स्काई न्यूज़, ये जितने भी चैनल हैं इस प्रकार के, ये क्या है कि ये उन्हीं लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं जो विश्व के शासक होते हैं और जो लोग इनको मंत्रियों को बिठाते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये भी संचालित किए जाते हैं चैनल, उन्हीं के चमचों द्वारा। तो इन न्यूज़ चैनल में क्या होता है कि स्क्रिप्ट के आधार पर काम चलता है, यानी कि सवाल पूछने वाले के पास एक स्क्रिप्ट होती है और जो जिसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो उसमें होता है, उसके पास भी एक स्क्रिप्ट होती है तैयार, उसी को रट के, उसी को रेफ़र कर करके ये लोग बोलते रहते हैं। तो ये बात अभी तक तो आप लोगों को समझ जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया है कि स्क्रिप्ट के आधार पर काम चल रहा है, तो उनको ये चीज़ दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ दो एग्ज़ाम्पल दूंगा। बाकी आपको अपने स्तर पर इस पर आप रिसर्च करें, आपको आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि ये पता करना कोई महान कार्य नहीं है। ये दो एग्ज़ाम्पल देने के बाद मैं इस मुद्दे पर आऊँगा कि ये जो है बैठाया गया कुत्ता कैसे है। तो पहले मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल इस चीज़ की दे देता हूँ। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें देखो ये फाइल लेके जा रहा है ऋषि सुनक, और जैसे ये गाड़ी के आगे से निकलेगा फाइल का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो मतलब बार बार कट लेके शूट करते हैं और पूरा स्क्रिप्ट के आधार पे करा जाता है, सब कुछ डिसाइड रहता है कौन से गेट में से निकलेगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कलर कैसे चेंज होता है। ये देखिए लाल रंग का फाइल का कलर है, अब देखिए हरे रंग का हो जाएगा। ये देखिए हरे रंग का हो गया, दोबारा देखिए। हरे रंग का हो गया मैजिकली। बाकायदा जो न्यूज़ थी उसी में से क्लिप ली गई है। ये दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। तो ये दूसरा उदाहरण है CNN का। तो इसमें ये जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है बिडेन का, देखिए दोनों के पास स्क्रिप्ट है, ये साफ साफ दिखा भी रहे हैं, मतलब आपके आंखों के सामने दिखा रहे हैं आपको ये। अभी जब कैमरा का एंगल चेंज करेंगे तो आप देखना, जो इंटरव्यूअर है उसके पास भी स्क्रिप्ट है, जो बाइडन है उसके पास भी कागज़ कलम रखा हुआ है, जैसे उसी में से पढ़ पढ़ के और ये उत्तर दे रहा है। आप खुद देखना, अभी देखिए इसमें आप देख सकते हैं दोनों के पास कागज़ कलम दोनों के पास है। आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए इंटरव्यूअर के पास कागज़ है और इसके पास, जो बाइडन के पास कागज़ कलम है। तो दोनों के पास ही स्क्रिप्ट है और ये बाकायदा दिखा रहे हैं, और ये बाकायदा आपको सच ही बता रहे हैं। इस इंटरव्यू में और भी कुछ बताया गया कि पुतिन कैसे एक्टर है, लेकिन उस सब में भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फिर
टॉपिक से भटक जाएगा। तो बाकायदा आपने देख लिया कि भाई ये स्क्रिप्ट के आधार पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। अभी अपने स्तर पर आप गहराई से रिसर्च कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ऋषि सुनक कैसे बैठाया गया कुत्ता है। तो देखो ये जो ये 12 घंटे जो पहले वीडियो आया था, इसमें देखो इसमें जो कुछ भी ये दिखाते हैं ना न्यूज़ वाले, तो इसमें सब कुछ स्क्रिप्ट का भाग ही होता है। जो सवाल पूछे जाने हैं वो भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा हैं, जो उत्तर व्यक्ति देगा बैठा हुआ वो भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा होते हैं, जो सामान पकड़ाया जाता है, जो सामान आसपास रखा होता है वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं ऋषि सुनक के कप के ऊपर कुत्ते बने हुए हैं। तो वो लोग साफ साफ आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारा ही पाला हुआ कुत्ता है, और इसमें ऐसे देखो ये पी रहा है, जो भी मतलब पी रहा है ये। अगर आपको लग रहा है ना कि रेंडमली भाई ऐसे ही रखा है कप और बस बस ये चाय पी रहा था या जो भी पी रहा था तो बस उसी के साथ इन्होंने चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा कप रखा गया है, इसी में से सिप ले लेके पिएगा। जो बर्तन आपको दिख रहा है कप, इस पर कुत्ता लगा हुआ है, तो कुत्ते वाले बर्तन में खा रहा है, कुत्ते वाले बर्तन में दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा ही पालतू कुत्ता है। आप देख सकते हैं ज़ूम करके बार बार इसमें से सिप लेगा ये, और देखो कितने कट हैं इस वीडियो में, कितने कट हैं इस वीडियो में, देखो कट ही कट। आंखें देखो इसकी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पूरे नशे में, लेकिन उस सब पे मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि इरेशनल वीडियो हो जाएगी फिर। लेकिन ये देखिए बार बार फोकस कप के ऊपर ही है, ये देखो इसकी आंखें देखो, पक्का गुलाम पक्का। देखो इसमें कुल मिला के दिखाना चाहता हूँ, देखो कुत्ते बने हुए ना, तो ये जो है बार बार पूरी वीडियो में इसमें सिप लेता जा रहा है, इसमें से पी रहा जो भी पी रहा है। तो ये लोग दिखाते हैं कि हाँ भाई ये हमारा ही पालतू कुत्ता है, और सुनक का जो अर्थ होता है वो भी कुत्ता ही होता है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा अच्छा कोइंसिडेंसली ये बना दिया गया है भाई, कोइंसिडेंसली इसका नाम भी वही है ना, ऐसा नहीं है। ये जो लोग विश्व के शासक होते हैं इनको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की और बाकी लैंग्वेजेस की भी, मतलब जितने एक आम भारतीय को संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा उतना उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान इन लोगों को होता है, ठीक है। तो इनको सारे वर्ड्स के मतलब पता होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ जाता, सबको जानबूझ के डिलिबरेटली किया जाता है। तो ये जो सुनक रखा गया है ये यही दर्शाने के लिए रखा गया है। और दूसरी बात, इन लोगों की एक पॉइंट ये भी होता है कि इनको सामने रखना होता है, मतलब इनको सब कुछ सच को सामने रखना होता है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सच को सामने ना रखें। तो इनका एक रूल है कि भाई मतलब जो यहूदी वगैरह होते हैं इनका एक नियम है कि अगर तुम सच को सामने बता देते हो किसी ना किसी रूप में जनता को तो तुम्हें पाप नहीं लगता, इनके ऐसा बोला जाता है रिलीजन में, ठीक है। तो उसी चीज़ को सहारा लेते हुए किसी ना किसी एंगल से ये सच को बता ही देते हैं। अब वो आपको दिखे ना दिखे वो आपकी दिक्कत है, मतलब आपकी आंखें फूटी हुई हैं आपको नहीं दिख रहा सच सामने भी, तो आपकी दिक्कत है। मतलब ट्रूथ इन प्लेन साइट जो बोला जाता है कि बिल्कुल प्लेन साइट में सत्य को रखा जाता है, हल्की सी गहरी दृष्टि से जो देखेगा उसे सच समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो से मेरा और कन्फर्म हो गया कि भाई ये इन्हीं का पालतू कुत्ता है और डिलिबरेटली यहाँ पर रखा गया है। बाकी तो इसका बैकग्राउंड आपको पता ही है कि भाई ये मतलब दवाइयाँ वगैरह बेचता है, कोई भी वास्तविक ऋषि तो ऐसा करता नहीं, मेडिकल की एलोपैथी की दुकान खोल के तो बैठता नहीं है कोई वास्तविक ऋषि, तो ऋषि नहीं है। ऋषि के नाम पे एक वो है ये महान कलंक और ऋषि के नाम को बदनाम करने वाला और उन लोगों का पालतू कुत्ता। दूसरी चीज़, एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। तो जिस दिन ये प्रधानमंत्री बना था उस दिन था ग्रहण का समय, आज जिस दिन मैं इसकी पोल खोल रहा हूँ आज है रिटर्न ऑफ द सन डे, रिटर्न ऑफ द सन यानी कि आज के दिन जो सूर्य भगवान आदित्य देव हैं वो अपनी वापस यात्रा चालू करेंगे नॉर्थ की तरफ, वापस आना चालू करेंगे नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आज है रिटर्न ऑफ द सन, तो इसलिए आज इसकी पोल खोली जा रही है, जो सूर्य का दुश्मन है, जो आत्मा का दुश्मन है व्यक्ति, इसकी पोल में आज खोल रहा हूँ इस कारण से।